आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पत्थलगांव में बेरहमी से दर्जनों को कुचलने वाले दोनों कार चालक आरोपी गिरफ्तार, देखिए लाइव वीडियो। जसपुर जिले के पत्थलगांव से बहुत ही दुखद और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज पत्थलगांव के बाजार पारा दुर्गा पूजा समिति द्वारा आज दुर्गा विसर्जन की तैयारी कर रहे थे, जहां करीब 400 लोग उपस्थित थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार गांजे से भरी महिंद्रा क्विड कार ने भीड़ के बीचों बीच वाहन घुसा दी और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस दुर्घटना में एक युवा की मौके पर ही मौत हो गई, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तेज गति से भाग रहे दुर्घटनाकारी वाहन ने अंबिकापुर रोड में भी कुछ लोगों को चलने की खबर है, जिससे पूरा माहौल गर्मा गया। घटना के बाद आक्रोशित नागरिकों ने सड़क जाम कर दिया है। दुर्घटना के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहीं कई गंभीरों को बाहर रिफर किया गया है। घटना के बाद मृतक युवक गौरव अग्रवाल, पिता मनोज अग्रवाल 19 वर्ष का, शव पत्थलगांव के मेन चौराहा रायगढ़ जसपुर मार्ग के बीच में रखकर वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां के TI और SI को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जसपुर SP विजय अग्रवाल भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं शहर के तीनों प्रमुख मार्ग में जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने घटनाकारित वाहन को आग के हवाले कर दिया है। दोनों वाहन चालक सिंगरौली मध्य प्रदेश के हैं। पत्थलगांव की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक जसपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना की घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बबलू विश्वकर्मा, पिता राधे श्याम विश्वकर्मा, उम्र 21 साल, निवासी सिंगरौली। बैडन शिशुपाल साहू, पिता रामजन्म साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी बरगवान, थाना बरगवान, जिला सिंगरौली। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राज भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।